गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग चैप्टर आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। आप लोग सब अपनी बुक में पेज नंबर 3535 ओपन कर लेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि तीन आर्टिकल्स होते हैं बेटा, ए, एन और द, है ना। उनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में हमने जाना था। तो चलो आज एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल ए, एन और द। यहाँ पर हमें जहाँ पर ए लगाना है वहाँ ए लगाएंगे, जहाँ पर द लगाना है वहाँ पर द लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देयर वॉज अ वेटर स्टैंडिंग नियर द नेक्स्ट टेबल, ठीक। There was a question I wanted to ask the maths teacher. Do you have an old car or a new car? देखो ये O है ना, vowel sound है तो N लगाया हमने। Bible is the holy book of the Christmas. तो Bible है तो यहाँ तो द लगेगा। The Bible is the holy book of the Christmas. I had a nice dream. I saw my friend give me chocolate in the, देखो पहले हमने ड्रीम के बारे में चर्चा कर ली है इसलिए यहाँ पर द लगेगा ना, इन द ड्रीम। द मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट। मून वर्ड है ये, अपने आप में ये स्पेसिफिक नाउन है ना। आई ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। द रिवर नर्मदा फाइनली ज्वाइन द अरेबियन सी। माई नेबर इज अ पुलिस मैन। द विंध्याज इज द रेंज ऑफ माउंटेन्स इन गुजरात, है ना। चलो अब नेक्स्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये फिशेज है ना, इनमें कुछ नाम लिखे गए हैं। और इधर देखो ये ए वाला टैंक है, ये एन वाला टैंक है और ये द वाला टैंक है। अब कौन सी फिश ए वाले टैंक में जाएगी, कौन सी एन वाले में और कौन सी द वाले में, ये हमें ढूंढना। एनिमल, तो एनिमल तो एन वाले में जाएगी, तो यहाँ लिखो एनिमल, ठीक। फिर है ऑरेंज, देखो आप अपनी बुक में भी देखेंगे ऑरेंज भी एन वाले में जाएगा, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। फिर है साइकिल, साइकिल ए वाले में आएगा, है ना। चर्च, ये भी ए वाले में आएगा, ठीक। ट्री, ये भी ए वाले में आएगा। लॉयन, ये भी ए वाले में आएगा। एलिफेंट, दिस इज एन वाले में ना, हो गया। फिर ब्रांच, यहाँ पर बॉक्स, अनियन यहाँ आएगा, आउल ये भी इसमें आएगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे गोदावरी, ये तो नदी है, ये यहाँ आएगा। बाइबल, ये यहाँ आएगा ना, ठीक। बनाना, ये यहाँ ए वाले में आ जाएगा, ठीक है। ऑक्स यहाँ आएगा, काऊ यहाँ आएगा, ठीक। अब इसी तरीके से ये आप ढूंढ करके आप इसको फिल करेंगे, ओके। अब देखो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, कह रहा है कि पेस्ट पिक्चर ऑफ ऑल यू वुड सी इन फॉरेस्ट। तुम फॉरेस्ट में क्या क्या देखते हो, है ना, जैसे एनिमल्स, हिल्स, रिवर्स एक्सेट्रा। देन राइट द नेम विथ ए एन और द, यहाँ पर पेस्ट करोगे। जैसे तुमने फॉरेस्ट में लॉयन देखा तो लॉयन की पिक्चर, एलिफेंट देखा, मंकी देखा, ट्री देखा, है ना, जो भी देखा वो सब आप यहाँ पर पेस्ट करोगे और उनके बारे में आप लिखो। जैसे आपने एलिफेंट की पिक्चर पेस्ट की तो यहाँ लिखोगे एन एलिफेंट, ठीक है ना, हो गया।
लॉयन देखा तो यहाँ लिखेंगे ए लॉयन, जो पिक्चर आप पेस्ट करोगे उसको आप लिखोगे, ये आपका काम है। ओके चलो, अब हम लोग फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।